आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर का अध्ययन करने से पहले हम इसको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का अध्ययन क्यों करते हैं, क्या महत्व है इसके बारे में समझते हैं, फिर चलकर हम जो है इसके आगे जो है अध्ययन करते हैं। तो इसका महत्व की बात करें तो इसके कुछ कंपाउंड जैसे क्लोरोफार्म, डीडीटी, डीएचसी अर्थात जिसे गमक्सीन कहते हैं, फ्रेयान और भी बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिसका प्रयोग हम जो है अपने दैनिक कार्यों में लाते हैं। जैसे क्लोरोफार्म की बात करें, क्लोरोफार्म जो होता है वो उसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है। जैसे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं पहले के समय में जो था क्लोरोफार्म का उपयोग जब भी ऑपरेशन किसी मरीज का किया जाता था तो वहां पर उनको क्लोरोफार्म सुखा दिया जाता था और वो बेहोश हो जाते थे, वहां पर उनका ऑपरेशन हो जाता था अर्थात उनको बेहोशी की हालत में मूर्छित करने के लिए हम क्लोरोफार्म का प्रयोग करते थे। लेकिन आज के डेट में हम क्लोरोफार्म की जगह पर किसी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे इसलिए वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसी तरह से अगर डीडीटी की बात करें, डीडीटी जिसका पूरा नाम होता है डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, इसका उपयोग जो है मच्छर भगाने में किया जाता है। मच्छरों जहाँ बहुत सारे मच्छरों का प्रकोप रहता है वहां पर इसका छिड़काव किया जाता है। इसी तरह से गमक्सीन आता है, गमक्सीन को हम बीएससी कहते हैं जिसका पूरा नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसका भी प्रयोग जो है कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इसी क्रम में आपका अगला आता है सीएफसी जिसे दूसरे नाम से फ्रेयान भी कहते हैं। सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यह भी एक कार्बन का घटक ही होता है जिसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है फ्रिजों में। तो ऐसे बहुत सारे हजारों यौगिक आपको देखने को मिलेंगे जिसका महत्व हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में लाया जाता है, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, यह हमारे लिए अति आवश्यक है। तो अगर हम बात करें इसके डिफिनेशन की तो इसे हम कह सकते हैं वे एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या वे एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनसे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी सक्रिय हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं तो बनने वाला जो यौगिक होगा वह क्रमशः हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहलाता है। ठीक है, इसको हम सामान्यता हेलो एल्केन को हम सामान्यता आरएक्स से प्रदर्शित करते हैं तथा हेलो एरीन को सामान्यता एआरएक्स से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर आर जो होता है वह एक एल्किल समूह होता है और एक्स जो होता है वो हैलोजन परिवार का कोई भी तत्व हो सकता है। तो आर यहाँ पर अब बात उठती है कि एल्किल समूह क्या होता है या एरिल समूह क्या होता है, यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करेंगे। जब किसी एल्केन अर्थात मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाए तो उससे के बाद जो बचा समूह होता है उसी को जो है क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। तो अगर हम बात करें एरिल की तो यहाँ पर हम कहेंगे किसी एरोमेटिक कंपाउंड से अगर एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो शेष बचा भाग जो होता है वो एरिल समूह कहलाता है। आइए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपका मेथेन है CH4, अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो जो शेष बचा समूह होगा वह एल्किल कहलाएगा। ठीक है, इसको हम एल्किल की कैटेगरी में रखेंगे। अगर इसकी पर्सनली बात करें इसे हम मेथिल कहेंगे, क्या कहेंगे, मेथिल। मेथेन से क्या बन जाएगा, मेथेन से मेथिल बन जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर एथेन है C2H6 से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए
क्या बचेगा, बॉन्ड C2H5। तो इसका नाम अगर हम देखें तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा एथेन। ठीक है, में एथेन से क्या बन जाएगा, एथेन से आपका एथेन हो जाता है। ठीक है, ये तो रहा हैलो एल्केन की बात। अगर हम हैलो एरीन की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में आपका क्या आता है, बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 से अगर एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाए, अर्थात निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो शेष बचा समूह बॉन्ड C6H5 बचे समूह को हम क्या कहते हैं, एरिन समूह ना, क्या कहते हैं, एरिन समूह का यह यौगिक है। अगर पर्सनली इसकी बात करें, इसको हम क्या कहेंगे, फेनिल। इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, इस तरह से आपको तमाम उदाहरण आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। वैसे तो आप इसको कई सारे वर्गों में बांट सकते हैं, लेकिन हम जो है अपनी सुविधा अनुसार जो है इसको हम मुख्यतः दो वर्गों में बांटते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और दूसरा जो होता है वो संकरण के आधार पर। तो हम सबसे पहले इसका जो वर्गीकरण होगा वो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसे मुख्यतः तीन कैटेगरी में रखा गया है। पहला है मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, हैलो एल्केन को हम आगे चलकर AHA से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा आता है, अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या किसी कार्बनिक यौगिक में दो है तो वो इसकी कैटेगरी में आ जाएगा डाई हैलो हैलो एल्केन। ठीक है, अगर तीन है तो ट्राई हैलो एल्केन, चार है तो टेट्रा हैलो एल्केन, पांच है तो पेंटा हैलो एल्केन। इस तरह से अगर दो से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या किसी कार्बनिक यौगिक में प्रेजेंट है तो वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो के बाद जो है पाली लगा देते हैं। पाली का मतलब ये हुआ कि दो से अधिक अगर हाइड्रोजन परमाणु है किसी कार्बनिक यौगिक में तो वहां पर पाली हैलो एल्केन एल्केन कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसकी डिफिनेशन भी समझ चुके होंगे। अगर इसका डिफाइन करना चाहे मोनो हैलो एल्केन तो आप कह सकते हैं वे हाइड्रोकार्बन, या आप कह सकते हैं वे हैलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक हो। कितनी हो, एक हो तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मोनो हैलो एल्केन। अगर दो है तो डाई हैलो एल्केन, अगर दो से ज्यादा है तो ट्राई हैलो एल्केन। इस तरह से इसकी परिभाषा की बात हो गई। अब आइए हम इसके उदाहरण को देखते हैं, है ना। उदाहरण के द्वारा अगर हम बात करें तो इसे पुनः तीन भागों में बांटा गया है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन को पुनः जो है तीन भागों में बांटा गया है, प्राइमरी हैलो एल्केन ना, प्राइमरी हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन और टर्शियरी हैलो एल्केन। प्राइमरी हैलो एल्केन क्या होते हैं इसको हम पहले समझते हैं। देखिए, अगर हाइड्रोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, जैसे CH3CH2 और इस CH2 से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु से अगर ये जुड़ा है कि देखते हैं यहाँ पर यह जो कार्बन है वह प्राइमरी कार्बन है। कैसे है, क्योंकि यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्राइमरी हैलो एल्केन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर हमारा कंपाउंड इस तरह से है CH3CH3H और H, ठीक है, ये आपका कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन कैसे हुआ, क्योंकि यह कार्बन दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कार्बन सेकेंडरी कार्बन हो गया, और इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हैलो एल्केन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें टर्शियरी की,
तो यहाँ पर जिनसे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उससे तीन कार्बन वाला यौगिक जुड़ा रहेगा। ये देखिए CH3 और अर्थात कि ये है यह कार्बन आपका टर्शियरी कार्बन है और इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, टर्शियरी हैलो एल्केन के अंतर्गत। ये तो रही मोनो हैलो एल्केन की बात। अब हम बात करते हैं डाई हैलो एल्केन। अब नाम से ही क्लियर है कि यह जो कार्बनिक यौगिक होगा उनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, दो होगी, जैसे ये हो गया। ठीक है, यह आपका एक कार्बनिक यौगिक है, इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो है। तो ये किसके कैटेगरी में रखेंगे इस कंपाउंड को, डाई हैलो एल्केन के कैटेगरी में रखेंगे ना। अगर इसके नाम की बात करें इसको कह सकते हैं डाई क्लोरो मेथेन। ठीक है, अगर हमारा कंपाउंड इस तरह से है CH3CHCl2। ठीक है, अगर कंपाउंड इस तरह से है, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि हमारा जो हैलोजन परमाणु की संख्या है वो दो है और इसका नाम जो हो जाएगा वो डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, अच्छा पुनः इसको भी डाई हैलो एल्केन को भी दो भागों में बांटा गया है। यहां पर हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, इसको भी दो भागों में बांटा गया है सुविधा के अनुसार। यहां पर जैसे अगर हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों, दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों, जैसे ये आपका है, यहां से भी क्लोरीन हो और यहां पर भी क्लोरीन हो। ठीक है, एक इस तरह से हो सकता है और दूसरा अगर इस तरह से है CH2Cl और CH2Cl। ठीक है, यहां पर आप क्या अंतर देख रहे हो, यहां पर दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हैं और यहां पर दो हैलोजन परमाणु दो भिन्न भिन्न कार्बन से जुड़े हैं। तो इस कंडीशन में अगर एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो वहां पर हम नाम से पहले जो है यहां पर जेम का प्रयोग करते हैं, जेमी नल। ठीक है, जेम नल डाई हैलो एल्केन। और अगर यहां की बात करें तो नाम से पहले हम रिसिनल का प्रयोग करते हैं, रिसिनल डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जेम लिखते हैं, जेम। ठीक है, और यहां पर क्या लिखते हैं, विष, VIC। ठीक है, नाम से पहले हम जेम और विष लगा देते हैं। अगर इसका नाम हम करें तो हम नाम करने से पहले जेम करेंगे, जेम डाई क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा यहां पर, जेम डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका नाम से पहले विष डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, तो ये तो हो गई डाई हैलो एल्कीन की बात। अब आपका बचता है अगला पाली हैलो एल्केन। पाली हैलो एल्केन जो है इसके अंतर्गत आपके बहुत सारे आ जाएंगे अगर हैलोजन परमाणुओं की संख्या तीन है। ठीक है, जैसे CH3 इसका नाम है क्लोरोफार, इसे बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। अगर चार है हैलोजन परमाणुओं की संख्या तो इसे ये जो है टेट्रा हैलो एल्केन के अंतर्गत आ जाएगा। अगर चार से ज्यादा है, पांच छह है, तो वो भी आपका पेंटाहेक्सा इस तरह से आपका हो जाएगा। तो इनके अंतर्गत पाली हैलो एल्केन में हमें ये क्लोरोफार और जो है इस तरह से ये कंपाउंड पढ़ने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है C6H6Cl6, इसका नाम है बेंजीन हेक्साफ्लोराइड, इसको साधारणतः हम गमक संघ भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या तीन से दो से ज्यादा है, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें छह है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये तो हो गया हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अगला आपका दूसरा आता है संकरण के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर, संकरण के आधार पर। यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमारा कार्बनिक यौगिक का यह कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर यह कार्बन sp3 संकरित है तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, sp3 संकरण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे
एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर बेटा आपको संकलन निकालना आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएंगी बातें। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें CH3S की बात करें, तो यहाँ पर यह जो कार्बन है वह SP3 संकरित कार्बन है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें CH3CH2S, यह जो कार्बन है वह कैसा है, SP3 संकरित कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन जो है उसमें SP3 संकरण पाया गया है और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यह सभी जो है किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, SP3 संकरित के अंतर्गत आ जाएंगे। अच्छा, इसको पुनः जो है तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक आपके होते हैं, पहला आपका है एल्किल हैलाइड, दूसरा है एलिलिक हैलाइड और तीसरा है बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है बेटा। एलिलिक हैलाइड में अभी आपने इसके पहले वाला जो उदाहरण पढ़ा, जैसे ये हो जाएंगे आपके CH3Cl C2S5 Cl, ये सभी इसके अंतर्गत है। एलिलिक हैलाइड की क्या विशेषता है, कब हम एलिलिक हैलाइड पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अगर CH डबल बंद CH CH2 Cl, ठीक है, ये आपका कंपाउंड हो गया, इसका नाम हो जाएगा एलिलिक हैलाइड, ठीक है, इस तरह से हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम अगला आपका आता है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड की बात करें तो यहाँ पर कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको क्या है SP3 संकरित, इससे जो जुड़ा है वो क्या है SP3 संकरित है, ठीक है। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं, दूसरा आपका आता है SP2 संकरित, अगर हमारा हैलोजन परमाणु SP2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है ना, जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा होता है एरिल हैलाइड, ठीक है। इनमें देखिए CH2 डबल बंद CH, यहाँ पर ये देखेंगे कार्बन किस, ये जो हैलोजन परमाणु वो किससे जुड़ा है, SP2 संकरित कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। अगर हम बात करते हैं एरिल हैलाइड में क्या होगा कि हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो SP2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, यह कार्बन 2 संकरित कार्बन है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा एरिल हैलाइड की बात हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न है SP संकरित कार्बनिक यौगिक में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो SP3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, कुछ हमारा इस प्रकार से होगा, इससे कोई एल्किल ग्रुप नहीं होगा। अगर इस तरह से कंडीशन है तो आपका वो हो जाएगा वो SP संकरित हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यह जो है आपका SP संकरित होता है। थैंक यू।